नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ वेव। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं डेली न्यूज़ लाता रहता हूँ पूरे यूट्यूब वर्ल्ड से। गाइज, आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ ठगेश के बारे में, बिकॉज मैंने अपनी इस न्यूज़ में कवर किया था कि हु केयर्स भाई ने ठगेश के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि वो उनका कंटेंट चुरा रहे हैं। फाइनली ठगेश ने इस पूरे एलिगेशन के ऊपर अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी, एंड गाइज उन्होंने अपनी गलती को माना है कि उन्होंने हु केयर्स एंड जयेश के चैनल से कॉन्टेंट को कॉपी किया था, यानी कि चुराया था। सो इस पर उन्होंने क्या कहा, लेट्स चेक इट आउट। वापस बोल रहा हूँ, नॉट टर्निंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट आई कॉपीड योर वीडियो बैक देन। सो या सॉरी मैन जयेश, एंड हु केयर्स, आई डोंट नो हिज नेम, बट सो यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज ऑलवेज अनदर वे टू कॉल पीपल आउट और टू क्रिटिसाइज देम, बट अगर आप वही गाली गलौज कर रहे हो तो देन यू विल बी हेटेड फॉर वट एवर यू स्टैंड फॉर, इवन दो यू आर राइट। जस्ट लाइक इन माई केस, रोज रोज आप खुद डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके रेड मार रहे हो और लोगों से मरवा रहे हो, जो मीम्स बना के टैग कर रहे हो, जो हेटफुल मीम्स बना रहा है उसको रिपोस्ट कर रहे हो, देन पीपल विल थिंक कि भाई ठगेश वाली मीम को ये रिपोस्ट कर रहा है, मैं भी बनाऊ। तुम इतना कैरी के ऑडियंस को क्रिटिसाइज करते हो कि हर जगह पे जाके गाली गलौज करते, बट यू आर डूइंग द सेम थिंग। आप तो खुद बोल रहे हो, कैरी तो खुद कभी बोलता नहीं कि जाके गाली दो, आप तो खुद बोल रहे हो कि जाके ये स्पैम करो, जाके वो स्पैम करो। ओह माय गॉड, आई लव यू ऑल। मेरे कहने पे ज्ञानी को आप लोग ने इतना हेट दिया, जिस दिन मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स रहेंगे मैं अपने ऑडियंस को ऐसे ही यूज करूंगा। ऑफ कोर्स लोग सिर्फ वो तो स्पैम नहीं करते, लोग जाके बहुत कुछ स्पैम करते हैं। आई नो इसका भी कोई जस्टिफिकेशन होगा तुम्हारे पास, बट ट्रस्ट मी, इनडायरेक्टली तुम भी टॉक्सिक ऑडियंस ही बना रहे हो। सो या मैन, नो हेट फॉर यू गाइस, यू बोथ आर ग्रेट कंटेंट। फ्रेंड्स, इसके बाद जयेश ने भी रिएक्ट किया अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके, लेट्स सी दैट। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा पहला आइडिया था कि मैं इसकी ये वाली क्लिप प्ले करूंगा, उसके बाद कमेंट्स में जाऊंगा और जिसने जिसने बोला कि ठगेश तुझे देखता भी नहीं होगा उनका नाम ले लेकर कमेंट्स पढ़कर हंसूंगा। बट लेकिन अब मेरे को सॉरी अपॉलॉजी मिल गया है, मेरे को जो चाहिए था मेरे को मिल गया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ठगेश, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब इंडिया पे आज तक किसी ने किसी की वीडियो कॉपी करके एक्सेप्ट किया, तो इट्स अ बिग डील, सो या बिग अप्स टू यू फॉर दैट। लेकिन नाउ आई जस्ट वांट टू एड्रेस द एलिगेशंस ही हैज मेड अगेंस्ट मी, क्योंकि मैन सॉरी तो ढंग से बोल लिया कर भाई, तू सॉरी बोलकर बोलता है कि भाई मैंने सॉरी बोला, लेकिन इस बंदे को देखो यार, ये लोगों को गाली देता है, ये करता है, वो करता है। अपोलॉजी वीडियो तो बना लिया करो यार, बिना विक्टिम कार्ड खेले। ओ बाय द वे, अपोलॉजी वीडियो विद 3 मिडरोल एड्स, दिस इज लाइक द सेकंड टाइम आई एम मेकिंग यू मनी डूड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब मैंने पहली बार तेरी वीडियो देखी थी जो तूने मेरी कॉपी की थी, तो मेरी गांड फट गई थी, क्योंकि मेरे को पता था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा चल भाई अपना फ्रस्ट्रेशन गाली देकर ही निकालता हूं। लेकिन अब तू मेरे अगेंस्ट वो यूज कर रहा है, तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू डीएम मी एक्चुअली। रही बात कंटेंट की, जस्ट बिकॉज कांसेप्ट सेम है डजंट मीन तुम्हारा कॉपी किया है ब्रदर। कोई नेपोटिज्म पर वीडियो बना रहा है और अगर मैंने भी वीडियो बनाई उस पर, डजंट मीन आई एम कॉपीइंग यू। कोई स्टार किड्स कोई हेट करने वाले टॉपिक पर वीडियो बना रहा है, मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाई, डजंट मीन आई एम कॉपीइंग यू ब्रदर। हां, एक दो पॉइंट सिमिलर थे, डजंट मीन तुम्हारे कंटेंट से आई एम मेकिंग माय लिविंग। यू कुड हैव टेक्स्टेड मी ऑन डीएम टू सॉर्ट इट आउट ब्रदर, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ना यार, अब तेरे ऊपर श्वेताब गंगवार वीडियो बना रहा है, इसलिए तूने वीडियो में तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि तूने मेरे को कॉपी किया, लेकिन तूने मेरे को डीएम किया ये बोल के कि कांसेप्ट सेम था, डजंट मीन आई एम कॉपीइंग यू। अगर तू मेरे को डीएम में बोल देता कि भाई मैंने तेरी वीडियो देखी थी, अननोइंगली पॉइंट्स कॉपी हो गए, तो मैं शायद ऐसा नहीं करता। अगर तूने स्टोरी देखकर रियलाइज कर लिया था कि तूने मेरा वीडियो छापा है, जैसा कि तूने खुद इस वीडियो में बोला प्रेशराइज होने के बाद जो बनाई है तूने। फ्रेंड्स, दोनों साइड बमबारी चल रही है। अगर आपको ये दोनों वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अगली स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ रैपर बादशाह के बारे में। रिसेंटली उनकी एक न्यूज़ वायरल हो रही थी। बादशाह अक्यूज्ड ऑफ बाइंग फेक यूट्यूब व्यूज फॉर 72 लाख, रैपर डिनाइज क्लेम्स। गाइज, ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं बादशाह के ऊपर, ये मुंबई पुलिस ने लगाए हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि बादशाह ने 72 लाख रुपीस दिए थे इस वीडियो के ऊपर पेड व्यूज़ लाने के लिए, बट बादशाह ने सारे एलिगेशंस जो भी मुंबई पुलिस ने लगाए हैं सब के सब डिनाई कर दिए हैं, बिकॉज़ वो मान ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने 72 लाख रुपीस खर्च किए थे पेड व्यूज़ के लिए। सो आपको क्या लगता है, बादशाह ने ऐसा काम करा होगा? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज़। गाइज, मैंने पहले कवर किया था कि कैरी मिनाटी एंड हर्ष बेनीवाल को बिग बॉस की तरफ से ऑफर्स मिल चुके हैं, बट उन्होंने वो डिनाई कर दिए थे। एंड र्यूमर्स ये भी आ रही थी कि अमित भड़ाना को भी ऑफर्स मिले हैं, बट उनका इस पे क्या कहना है, चलिए देख लेते हैं। तो कई दिनों से काफ़ी न्यूज़पेपर्स मेरे बारे में आर्टिकल्स छाप रहे हैं, टीवी पर दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एक फेक न्यूज़ है, इसे मैं अपनी तरफ से खारिज करता हूँ। मेरी कोई रुचि नहीं है बिग बॉस में जाने की, ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई बैड फीलिंग्स है, बस ये है कि अपने गोल्स अलग हैं, अपने एम अलग हैं, उन सब में बिग बॉस, बॉलीवुड ये कभी फिट ही नहीं होता, कभी बॉलीवुड, बिग बॉस ये मेरी प्रायोरिटी नहीं रही। अपने प्रायोरिटी यूट्यूब है, और यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेस्ट कर रहे हैं, बहुत बेटर कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं कर रहे हैं, जिस दिन लगेगा टाइम इज़ ओवर तो टाइम इज़ ओवर, मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा दिन कभी आने नहीं देंगे। तो मेहनत ही हम बंदे हैं और अच्छी चीज में हम बिलीव करते हैं, बाकी बिग बॉस नहीं, ओनली मोह माया है।
सबको माया है। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज़। गाइज, मैंने अपनी इस न्यूज़ में कवर किया था कि डेविड डॉबरिक का न्यू शो डॉज बॉल थंडरडोम डिस्कवरी पे आने वाला है। सो गाइज, इसके ऊपर न्यू अपडेट ये आया है कि ये शो 9th अगस्त को स्टार्ट नहीं होगा बल्कि 19th अगस्त को स्टार्ट होगा। एंड डॉज बॉल थंडरडोम का जो विनर होगा उसे $25,000 कैश प्राइज मिलेगा। एंड नॉट ओनली दैट, जो भी व्यूअर्स डॉज बॉल थंडरडोम के हर एक एपिसोड को देखेंगे उन्हें $5,000 कैश प्राइज भी मिल सकता है ईच एपिसोड। सो री राइट द डेट गाइज, 19th अगस्त 9 PM। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। गाइज, मैंने पहले कवर किया था कि नेट रॉबिन्सन एंड जेक पॉल के बीच में बॉक्सिंग मैच होने वाला है September 12th को, एंड उसी दिन माइक टायसन एंड रे जोन्स जूनियर के बीच में भी मैच होगा। बट फ्रेंड्स, इन दोनों मैच में से जेक पॉल एंड नेट रॉबिन्सन का मैच November 28th तक के लिए पोस्टपोन हो गया है। एंड वन मोर थिंग, माइक टायसन एंड रे जोन्स जूनियर के बीच में जो बॉक्सिंग मैच होना था उसका वेन्यू भी चेंज हो गया है। प्रीवियस वेन्यू था डिग्निटी हेल्थ स्पोर्ट्स पार्क साउथ कैलिफोर्निया, बट अब न्यू वेन्यू है काउबॉय स्टेडियम। चलिए गाइस, अब आज के अचीवर्स से मिल लेते हैं। डेजी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। द क्रेजी एसके को मिल चुका है उनका सिल्वर प्ले बटन। माई डापुर पनस ने भी अचीव कर लिया है अपना सिल्वर प्ले बटन। फाइनली एक्सपोज बड़ी को भी मिल चुका है उनका सिल्वर प्ले बटन। माई हार्टी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। गाइस, जो मुझे न्यूज़ भेजना चाहते हैं फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जो मुझे पहले न्यूज़ भेजेगा उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स भी मिल सकते हैं। सो गाइस, ऐसी डेली अपडेटेड यूट्यूब न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।